गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैंने दे दिया है अपने बेटे को ब्रेकफास्ट में मखाने खाने के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि रूम कितना मैसी पड़ा हुआ है। जब तक मेरा बेटा मखाने खाएगा और मैं करूंगी अपने मैसी रूम को साफ। विवान को पता लगा कि वीडियो शूट हो रहा है तो देखो कैसे अपना फ्लो सही करने लग गया। कपड़े फोल्ड कर इन्हें भी जमा लेती हूँ, साथ ही मैं बेड को भी ठीक कर लूँगी। फ्रेंड्स देखिए, विवान पी रहे हैं चाय और तब तक मैंने कर दिया है बेड क्लीन। रूम को डीक्लटर करने के बाद एक गीले कपड़े से सारी अलमारियां पोंछ के उन्हें साफ कर लूंगी। तो फाइनली मैंने कर लिया है रूम क्लीन, डस्ट और क्लटर हटा के देखिए मेरा रूम अब कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं गेहूं को पिसवाने से पहले उन्हें अच्छे से धो और सुखा लेती हूँ। अब मैं आ गई किचन में, अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। आज खाने में मैं मसूर की दाल, चावल, रोटी और सब्जी में सेम फली थी। खाना चढ़ा लेने के बाद मैं किचन को अरेंज कर लेती हूँ। खाना चढ़ा लेने के बाद मैं सारा सामान एक तरफ अरेंज कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे भगाड़ लगाते वक्त, रोटियाँ सेकते वक्त किसी एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत ना पड़े। अब मसूर की दाल में एक सीटी लेने के बाद इसमें मैं चावल का माड़ मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि गाढ़ापन आ जाए। फ्रेंड्स, जब तक मेरी ये दाल तैयार हो रही है और मैं तब तक इनके हेयर निकाल लूंगी सैम के। देखिए इस टाइप से इनके हेयर, ये इस टाइप से इनके हेयर इनसे अलग कर दूंगी। ये है टुडे लंच, आइए आप ही कीजिए हमारे साथ आज लंच। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।